अगर कोई शख्स ला इल्मी में कई बरसों से रोजे की हालत में मंजन करता रहा तो ऐसी सूरत में क्या उसका रोजा रहा, और अगर उसका रोजा ना रहा तो क्या सिर्फ कजा लाजिम होगी या कफारा भी लाजिम होगा? मंजन करने में, टूथपेस्ट करने में ये पूरा पूरा इम्कान है कि कुछ न कुछ जज़रात अज़ा हल्क में उतर जाएं। तो अब यह कि रोज़ा टूटने की सूरत यही है कि हल्क से नीचे उतर जाए, जबकि रोज़ा याद हो तो रोज़ा टूट जाएगा। अब इस तरह जो रोज़ा टूटा तो इसकी कज़ा वाजिब होगी, इस पर कफ़ारा नहीं आएगा। तो अब यह कि जिसने ऐसा किया हो ये ख़ुद गौर कर ले, और अगर वो बेहतियाती के साथ करता था और हल्क से नीचे जाते थे उसके अज्जा और हल्क में टेस्ट महसूस होता था, तो इसी सूरत में अगर उसके सामने है तो वो गिनती कर ले कि ऐसे कितने रोज़े इसने किए होंगे जिसमें मंजन किया होगा, तो उन रोज़ों की कज़ा कर ले, तौबा भी करे।